हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरे वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते थे कि आप मेजर गौरव के आर्या के वीडियो पे रिएक्ट करो, तो मैं आज उन्हीं का एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है मेजर गौरव आर्या, मोदी जी डजंट गिव अ डैम व्हाट दे विल से। तो ये कंप्लीट वीडियो है, ये बुलेटिन एक्सपर्ट की वीडियो है। इनके वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को भी सपोर्ट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद इस बारे में बातें करेंगे। सो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। ये बड़ा रोमांटिक सा एक ख्याल था कुछ लोगों, JKLF वाज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका बड़ा एक रोमांटिक ख्याल था। तो पाकिस्तान ने फिर टाइट शर्ट कर दिया उनको कि यार दिमाग ना खराब करें, हम लोग इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अलग ही मुल्क बना रहे हो, फिर क्या फायदा यहाँ पे। तो ये सब एक कोने में हुआ, अब ये बन गए और इनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाने के लिए हुर्रियत बनाई, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये बनाई पाकिस्तान ने। लेकिन इस पेड़ को पानी दिया, इस सांप को दूध पिलाया इंडिया ने, इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फंड्स दिए चीमा साहब, और इतने फंड्स दिए चीमा साहब, इतने फंड्स दिए कि जिसको कहते हैं मोर देन $1 बिलियन इनको फंड दिए गए, $1 अरब से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको फंड दिए गए। इनको मिनिमम जो साल में दिए जाते थे तकरीबन 100 से लेकर 150 करोड़ इंडियन रुपीज दिए गए, ठीक है। बहुत कम पाकिस्तानियों को ये पता है कि सैयद अली शाह गिलानी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, सैयद अली शाह गिलानी को 60,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी पुराने स्केल के हिसाब से, जो सभी को मिलती थी उनको मिलती थी। सैयद अली शाह गिलानी टुक पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका खिड़की एक्सटेंशन में बच्चों का घर है जिसकी लगभग कीमत 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए की है, और उनका कोई और नोन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो उनका हैदरपुरा में, श्रीनगर में एक जगह है, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ हैदरपुरा आता है, हैदरपुरा में घर उसकी वैल्यू में छोड़ दीजिए, मैं तो खिड़की एक्सटेंशन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये 60,000 की पेंशन में किसी ने किस तरीके से 30-35 करोड़ का घर खरीद लिया, आई एम नॉट अवेयर इसके पीछे क्या चीज़ थी, पर इसके पीछे भारत का पैसा था और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीज़न क्या था रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। कि उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है, यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो तो ये लोग, दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया, जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए, 4 गाड़ियां पीछे 4 गाड़ियां आगे, ठीक है सर, दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल सुइट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे 2-3 दिन अपना इलाज करवा के, प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा है, तो ठीक है चीमा साहब, तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला, और सच बात ये है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा, ठीक है। एंड ये कश्मीरी पॉलिटिक्स का, आम कश्मीरी मासूम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। आम कश्मीरी तो मस्त मौला आदमी है, ठीक है, दे आर हैप्पी, हैप्पी गो लकी पीपल, उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। लेकिन कश्मीरी पॉलिटिशियंस, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस, वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर लाइक कोबरास, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान से भी पैसे पकड़े, इन्होंने इंडिया से भी पैसे पकड़े। अच्छा, ये जो बात थी चीमा साहब सॉफ्ट सेपरेटिज्म की, कि भाई जिस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इफेक्ट में आएगा उस दिन दे विल हैव अ सिंपैथेटिक कॉर्नर फॉर इंडिया एंड दे विल यू नो टेल द पॉपुलेशन कि यू शुड वोट फॉर इंडिया एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी के आने से ये हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में, और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा, इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन। हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन से कोई हेल्प नहीं चाहिए,
हमें ना कश्मीर के बयाने पर, ठीक है वहां पे अपना सब लोग नैरेटिव, आप लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम बोलते हैं आप जवाब देते हैं, आप बोलते हैं हम जवाब देते हैं, दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ द कोर्स, ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हमें किसी भी, अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत हैज टू बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटेलिटी, कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में, और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, जब 370-35 से हटाया चीमा साहब, तो इन्होंने फिर रफा दफा करा सकते, और टर्निंग पॉइंट आया बुरहान वानी की डेथ से, जो जुलाई 2016 को हुआ था, बुरहान वानी को 6-7-8 तारीख जब भी था, वो बुरहान वानी को मारा गया, यूनिट का नाम था 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 आरआर के गए, वहां उन्होंने बुरहान वानी को मार चार दिया, खत्म हो गई बात। 100 दिन कश्मीर में पत्थरबाजी, ये वो दुनिया भर की चीज, ठीक है। जब ये पत्थरबाजी चल रही थी तो पाकिस्तान में ऐसा लोगों को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन प्रेशर तो था इसमें कोई शक नहीं है, ये रीडिंग आपकी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे लोग स्टडी भी कर रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार स्टडी कर दी कि 100 दिन का स्टैमिना है, इसके बाद का स्टैमिना है, फेंकने दो। जब इन्होंने 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ, हुआ नहीं कुछ। फिर इसको जब गिलानी की डेथ हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो नेचुरल कॉज, मतलब ठीक है। यासिन मलिक को तो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, थोड़ा बहुत शटडाउन हुआ, टुडे इन द मॉर्निंग आई चेक्ड, इट्स बैक टू नॉर्मल, कुछ नहीं है दिक्कत। सो देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं, ही हैज बीन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट, और उस कोर्ट के ऊपर फौज का या सरकार का इतना रोल नहीं है, हाँ इतना रोल है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट अपना बयानिया पूरा देगी। लेकिन ये बंदा, जब इसने मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह साहब के साथ इसने फोटो खिंचाई, आपने देखी होगी फोटोग्राफ, मनमोहन सिंह साहब के साथ फोटो खिंचा रही है, ये वो ये वो ये, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद जाके मीडिया में बोलने लगा, हाँ मैंने कराया, हाँ मैंने कराया। भाई आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, कोई भी हो वो, कोई भी हो वो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल। यासीन मलिक गुब्बारे की तरह कुप पुक, बिल्कुल सब जगह आपकी अदालत, रजत शर्मा के सामने मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, बीबीसी में इंटरव्यू, मैंने ये करा है, ठीक है, कोई ना कोई नोट कर रहा था। सरकार बदली और उसके बाद 370 वोट हुआ, बहुत सही हुआ, लेकिन बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा, धीरे 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 धीरे, नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर, इट इज नॉट धीरे, अरब्स आ रहे हैं, हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कश्मीर, उनसे बात चल रही है। So even the Chinese, you know, who are supposed to be very close friends of Pakistan, they have decided to bless investment in Kashmir because they have understood that iska hone jana wala kuch nahi hai. Main Chima sahab, I understand Kashmir, aap Pakistani hai aur Kashmir aapke dil ke bahut kareeb hai. Main Hindustani hu, mere bhi dil ke Kashmir bahut kareeb hai, lekin sachchai ye hai ki iska hone jana wala kuch nahi hai. India will not allow it. और दुनिया में ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, आज तो इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंडिया के पास पैसा है, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था चीमा साहब, इवन देन इंडिया ने दुनिया की किसी की बात नहीं सुनी, अमेरिका की बात नहीं सुनी, रूस की बात नहीं सुनी, चीन की, किसी की बात, ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए, लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी, पॉलिसी नहीं बदलती, यहाँ पर मौत आ जाए, पॉलिसी नहीं बदलती, पॉलिसी वही रहती है। और कांग्रेस के टाइम से, बस देखिए कश्मीर की पॉलिसी, ये जो 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है, आपको पता ही है 1994 इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, ये कांग्रेस के समय आया था। तो किसी के भी मन में ये गलत फहमी हो कि कांग्रेस कश्मीर को, वो ठीक है उनका तरीका अलग है कि सबको मिला के बातचीत करो, आप आओ इधर, एक ग्रुप बनाओ जो मिलिटेंट से बात करेगा, ये सब मोदी जी कहते हैं कोई बातचीत नहीं, खत्म करो मामला, रफा दफा करो, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो, एटीट्यूड में चेंज है। लेकिन बेसिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि कश्मीर पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान, एज पर द 1994 इंडियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। चीमा साहब, तो ये स्टोरी है आज की। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई खत्म। हमने वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्या कितना, मतलब एक काम, मतलब जैसा उनका नेचर था बहुत एग्रेसिव से, अगर आप डिबेट वगैरह देखो तो बहुत एग्रेसिव होते, पर जब ये दो लोग की बातचीत होती है, 1-to-1 टॉक होती है, या कोई इस तरह के शो में आते हुए बुलाता है या जाते हैं जहाँ पे
एक कोई एक दो लोग होते हैं तो ये बहुत कामली अपनी बात रखते हैं, बट येट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कश्मीर सेपरेटिस्ट लोग थे उसको पाकिस्तान पैसा खिलाया कि वो इंडिया के खिलाफ काम करेंगे, उनको इंडिया पैसा खिला रहा था, उनको हेल्प कर रहा था कि वो इंडिया के सपोर्ट में रहेंगे, वो पाकिस्तान के, पर उन्होंने दोनों का फ़ायदा उठाया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बात सही है, उनको दोनों तरफ से प्रॉफिट मिल रहे थे, और उनको देखा जाए तो दे वर वेरी सेल्फिश, ना वो पाकिस्तान के थे वो ना वो इंडिया, जब वो इंडिया में रहे के जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, जो अपने इंसान अपने देश से गद्दारी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, आप बस इतना समझ लो। तो वो पाकिस्तान के भी नहीं थे, लोगों को लगता है वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, जब जब तक उनको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा था वो कर रहे थे, इसी पे उनके घर चल रहे थे, वो इसी को बिजनेस मान लिए, इसी को प्रोफेशन मान लिए थे, यही उनका रोजी रोटी का सवाल था। और जब 370 हट गया तो फिर ये रोजी रोटी चली गई। और ये पार्लियामेंट में बहुत अच्छी स्पीच थी, कोई लद्दाख के MP, जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, लद्दाख के MP थे, उन्होंने बहुत अच्छा कि 370 हटने से सिर्फ दो परिवार की रोजी रोटी जाएगी, बाकी कुछ नहीं, और बहुत सही स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, मुझे आज भी याद है वो स्टेटमेंट, को उस समय उनका वो भाषण बहुत बहुत पॉपुलर, लोगों ने देखा भी होगा उसको, तो बहुत अच्छा था। और इन्होंने जवाब भी काफ़ी अच्छा दिया कि देखिए भाई कांग्रेस के टाइम से ही हम क्लेम कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब कांग्रेस कश्मीर को लेके मतलब न्यूट्रल थी, हो सकता है कि वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी, उन्होंने ये भी मेंशन किया। और ये हम सब जानते हैं कि कांग्रेस फास्ट डिसीजन नहीं लेती थी, या उनका जो भी पॉलिसी होगा दे वो लोगों को मिलजुला के बात करते थे, गवर्नमेंट के पॉलिसी जो अप्रोच में चेंज है, पर जो पॉलिसी थी कि उस टाइम में 1994 के रिजोल्यूशन में कि ये पार्ट हमने क्लेम किया था हमारा है, वो हम आज भी क्लेम कर रहे हैं, पर बस आज ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव हो गई है, एग्रेसिव हम नहीं कह सकते, एग्रेसिव इन द सेंस कि हमको पता है, हम इंतजार नहीं करते, यू कैन से इट इज़ असर्टिव, असर्टिव हो गई, और कहीं कहीं एग्रेसिव भी कि हम इंतजार नहीं करते कि वो उनको मारेगा तब हम मारेंगे, वो हमारा लूट लेगा फिर हम छीनेंगे, हमें पता है कि हमारा है तो हमको लेना है, जब सुटेबल टाइम है विल टेक इट। तो ऐसा ही हमने 370 में किया, और हमें पता है भाई क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टडी कर लेती है कि क्या हो रहा है, मतलब अभी यासिन मलिक वाला केस हुआ था, बवाल वगैरह हुआ, लेकिन कुछ दिन तक हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो देयर कैपेसिटी। और पहले क्या था ना कि राइट्स वगैरह इतने लंबे क्यों चल पाते थे, क्यों लोग ये सब इतने दिन, भाई देखो उन्हें भी तो एट लास्ट हर ह्यूमन बींग को खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो वो अपना खाना पीने का जुगाड़ ना करके वो इस तरह के काम क्यों करते थे, सोचने वाली बात है ना कि वो अपना खाने पीने का जुगाड़ ना करके, कुछ ना करके वो राइट्स में बैठ, क्योंकि उनको फंडिंग आती थी, उनको पैसे मिल जाते थे। अब गवर्नमेंट उसी फंडिंग पे रोक लगा दी, बहुत सारे NGOs बंद हो गए, बहुत कुछ बंद हो गए, जब उनको यार अल्टीमेटली तो अब शाम को जब बैठ के झगड़े करके जाओगे तो शाम को तो अपनी फैमिली को कुछ खिलाना पड़ेगा ना, कुछ झगड़ों से तो कुछ मिलना नहीं, जब फंडिंग ही बंद हो रही है तो फिर ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे, और कम हो रहे हैं, मैं देख रहे हूँ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रही है सारे NGOs पे, पैसा क्यों आ रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, किस काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इवेंचुअली कश्मीर को भी लोग एक इन्वेस्टमेंट हब बनाने के रूप में, पर कहीं ना कहीं हमें एक रियलिटी पे और भी ध्यान देना चाहिए कि कश्मीर पे अटैक बढ़ गया हिंदुओं पे, ये मैंने एक तो मतलब एक वो तहसील के एम्प्लॉय पे अटैक हुआ था, उसके बाद एक स्कूल टीचर पे अटैक हुआ, फिर एक बैंकर पे अटैक हुआ, तो अब कश्मीर में कहीं ना कहीं अटैक बढ़ गया है, वो भी जो लोग वहाँ पे हैं ना, जो 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 टेररिस्ट हैं या जो इस तरह जिहादी माइंड सेट के लोग, वो लोग वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और कल या कल की न्यूज़ आई थी कि कश्मीरी जो श्रीनगर के एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ लगी थी, कश्मीरी पंडित फिर जा रहे हैं, तो लोगों को डर लग रहा है कहीं वो वाला सिनेरियो तो नहीं आ रहा है, 1991 में जो सिनेरियो था वो सारा कुछ तो फिर से वापस तो नहीं आ रहा है, तो इसको लेके एक बहुत हाई लेवल मीटिंग भी बैठी, अमित शाह वगैरह अजीत डोवाल सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखे थे इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन, होप ये चीज़ें सुधर जाए, पता नहीं क्या होगा, कितने एक्शंस ले रहे हैं, मतलब क्या होता है ना कोई चीज़ इतने साल से खराब हो रखी है तो आप उसको 2 साल में नहीं सुधार सकते हो, ये फिल्म नहीं है ना, चुटकी बजाए सब कुछ हो जाता है भाई, ये रियल लाइफ है, इसमें चीज़ें बिगड़ती भी धीरे धीरे हैं और बनती बनती तो और धीरे धीरे हैं, बिगड़ने में तो फिर भी कोई चीज़ जल्दी बिगड़ जाती है, बनाने में तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, वही गवर्नमेंट स्ट्रगल कर इतने सालों से वो जो गड्ढा खुदा था उसको धीरे धीरे फिल कर रही है, उसमें बहुत तरह की दिक्कतें आ रहे हैं, और जैसे लोग जो सेपरेटिस्ट फोर्स थे, जो जिहादी फोर्स, वो देख रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और एग्रेसिव हो रहे हैं, यासिन मलिक पकड़ा गया तो उसका बदला वो ले रहे हैं, ये और यासिन मलिक भाई मतलब उस बंदे का तो मुझे समझ ही नहीं है कि इतना लंबा केस चला क्यों, उसका तो साफ साफ वो खुद कबूलता था, सोचो मतलब क्या उस समय की मजबूरी हुई, वो क्या पॉलिसी हुई, आई डोंट नो, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती, पर उसके इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक थे, उसे तो आई थिंक उसे तो
मौत की ही सज़ा होनी चाहिए, फांसी की ही सज़ा, पर कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट आवर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।